हेलो प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि वोकेशनल सब्जेक्ट जो गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ है कैसे लेना है, क्या करना है, क्यों जोड़ा गया और वगैरह, अब बात करते हैं हम लोग की कंटेंट में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे एक्सरसाइज बनानी है। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये 50-50 नंबर का डिस्ट्रीब्यूट किया। आपकी क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई गई, वहाँ हो सकता है कि कुछ बच्चे ज्वाइन ना कर पाए हों, कुछ बच्चे ज्वाइन कर लिए हों और इनिशियली समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या हो रहा है, वो समझने में ही हमारा टाइम निकलता है। तो इस पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमको कहाँ से क्या चीज़ें कंटेंट मिलेगा और कैसे इस चीज़ को पढ़ना है। ये आईटी वोकेशनल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको कहाँ से पढ़ना है। तो आपको क्योंकि 9th का सिलेबस पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। तो मैंने एक बुक डाउनलोड कर रखी है जिस बुक को आपको फॉलो करना है, जो कि है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो आपके सिलेबस में है, जो इस बार 3 से 7 जुलाई के बीच में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा। तो हम लोग इसके थ्रू जाएंगे। इसमें 50-50 नंबर के 50 नंबर का थ्योरी होगा और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो कि बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न पे होगा। इस बुक को कैसे फॉलो करें, इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। हम सारी 3 यूनिट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं और इसमें क्या क्या डिस्कशन होने वाला। तो मैंने हालांकि ये बुक डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सेम बुक है बिल्कुल, जो एनसीईआरटी में ने दी हुई है, वही बुक को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर आपकी बुक का नाम है और ये एनएसक्यूएफ के लेवल को फॉलो करती है और ऑनलाइन ही हम लोग प्रेफर करेंगे इसको पढ़ना। तो जो पहले इसके टॉपिक्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बुक है हम लोग इसी से सारे कंटेंट को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं इस बुक के। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीईएस इंडस्ट्री एंड द सेकंड टॉपिक इज डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिपार्टमेंट का ये मानना है कि इस सिलेबस को, इस 9th सिलेबस को सीखने के बाद बच्चे को एक अच्छी टाइपिंग स्किल और थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि इंडस्ट्री में आईटी कैसे इनेबल हुआ, आईटी की मदद से हम लोगों ने क्या क्या इवॉल्व हुई, तो इस बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डेली एक वीडियो आपके लिए डालूंगा इन 5 यूनिट्स के लिए, और कहाँ से क्वेश्चन करना है, कहाँ से आंसर करना है, हाउ टू गेट द नोट्स, हाउ टू गेट द लैब एक्सरसाइज। लैब एक्सरसाइज में करना क्या है, देखिए लैब एक्सरसाइज में करना क्या है इसके बारे में जानना पड़ता है और कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपने 5 यूनिट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैंने अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं चैप्टर 1 के और आपको भी ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको बस अपना डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, जिससे कि मैं ये नोट्स आपको अवेलेबल करा पाऊं। तो देखते हैं, पहले हम अपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या है और कैसे कैसे इसको डिस्कस करें। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे कि क्या है, किस तरीके से जोड़ा गया और वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या है, एनईपी ने कैसे इसको इंट्रोड्यूस कराया और हमारे गवर्नमेंट में 620 स्कूल बचे हुए हैं और उनमें किस तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका एग्जाम 3 और 7 तारीख के बीच में। तो हम सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। आपको जो ये बुक है वो इस लिंक के थ्रू, जो यहाँ पे विजिबल हो पा रहा है, इसके थ्रू आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो डिस्कस करता है इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीईएस इंडस्ट्रीज के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि आईटी जो है
हमारी इंडस्ट्रीज में कैसे इवॉल्व हुआ और उससे क्या फायदे हुए। इट एक्सप्लेन्स द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप लोग एम्प्लॉयबल बने, और किस तरीके से आईटी की मदद से आप, क्योंकि आईटी के आने से नो डाउट जॉब्स में बढ़ोतरी हुई है। किसी को थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है, किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है कोडिंग वगैरह आता है तो डेवलपर बन सकता है, किसी को और अच्छा आता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करता है। और पैसे की कोई बात नहीं, जितना जितना नॉलेज आपका बढ़ता रहेगा उतना उतना आप लोग इसके बारे में सीखते रहते हैं। तो हम बात करते हैं इसके बारे में एक बार फिर से। तो यूनिट वन में हम लोग क्या सीखेंगे, यूनिट वन ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन आईटी एंड आईटी। जैसा कि मैंने बताया कि आईटी की मदद से आईटी इनेबल्ड सर्विस की में आईटी इनेबल्ड सर्विस कंपनीज कैसे ग्रो कर। इट देन डिटेल्स द वेरियस आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, मेंटेनिंग द वर्क एरिया एज वेल एज हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। मेडिकल में जब आईटी आया तो क्या फायदे क्या नुकसान हुए, डिजिटल कम्युनिकेशन हम लोग आईटी की मदद से कैसे इजीली कर पा रहे हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे और उसके बारे में आईटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। दूसरे यूनिट में डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे बैठते हैं, कैसे कीबोर्ड में लिखते हैं और उंगली कहाँ पे रखनी चाहिए, कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है उनके लिए भी और ऑप्शन है किस तरीके से वो टाइपिंग स्किल्स को अपना बढ़ा सकते हैं। इन द थर्ड यूनिट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं और किस किस चीज के लिए यूज होता है वर्ड एमएस, हम उसके बारे में भी देखेंगे। ये यूनिट नंबर तीन इसके बारे में डिस्कस करता है। यूनिट नंबर चार एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में बात करता है कि रिकॉर्ड्स को कैसे, जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स को रखना है, उनके नंबर्स को मैनिपुलेट करना, हमने बस यही तक देखा है। हम और भी कई नई फीचर्स इसके बारे में देखेंगे कि डेटा कैसे इंसर्ट होता है, कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, इन सब चीजों। और वर्ड और स्प्रेडशीट में फर्क क्या है, कब हम वर्ड यूज करेंगे कब हम स्प्रेडशीट को यूज करेंगे। एंड द लास्टली द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे टीचिंग मैकेनिज्म, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं एक पावर पॉइंट के थ्रू ही दिखा, तो कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हाउ इट इज मेकिंग इट इफेक्टिव, ये हम यूनिट पांच में बात करें। तो अभी भी हमारे पास काफी समय है जिससे है कि हम इस कोर्स को खत्म कर सकते। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि पहले चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। तो रादर देन गोइंग थ्रू द बुक, आई एम डायरेक्टली गोइंग थ्रू माय क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन जो कि बुक्स के लास्ट में ही दिया हुआ। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, हम इस नोटबुक में चलते हैं और यूनिट वन जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्रीज। हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आईटी आया, कैसे वो सेवरल कंपनियों में इनेबल्ड आईटी को यूज किया और कैसे उसको फायदा हुआ। तो बुक में हम वर्ड बाय वर्ड लाइन ना पढ़ करके हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन सेक्शन में आकर के उन चीजों को डिस्कस करें। आईटी क्या होता है, आईटीईएस, तो चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। आईटी क्या होता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यही हमारा पहला क्वेश्चन भी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the terms of IT and ITES. This is our first question mentioned in the book. तो मैं वहां पर आपको ले जाता हूं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस। और कैसे इस क्वेश्चन को बारे में आंसर आपको देना है उसके बारे में भी। तो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन तो यहां दिए हुए हैं, आंसर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन ही है इंट्रोडक्शन के टॉपिक में कि आप आईटी और आईटीईएस के बारे में क्या समझते हैं। तो देखते हैं क्या समझते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं।
मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको कम्युनिकेट करना समवेयर एल्स. It includes all the type of technologies used to deal with information. हम हर एक डेटा के बारे में बात कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन माध्यम या इंफॉर्मेशन, हर एक डेटा हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हर एक डेटा हमारे लिए इंफॉर्मेशन. Such as computer hardware and software technology used creating, storing, transferring information. आईटी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं इंफॉर्मेशन, स्टोर करती हैं और कैसे ट्रांसफर होगा हम उसके बारे में. Computer takes data as input, processes it and produces the result of the output. तो यहाँ पे तीन ही चीजें होती हैं. कंप्यूटर है हमारे पास, हमें कुछ जानना है तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हमको एडिशन परफॉर्म करना है तो हम दो नंबर अपने कैलकुलेटर को देते हैं ए और बी और एक रिजल्ट आता है जो भी वैल्यू होती है. लेट्स सपोज ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है और हमारे पास द वैल्यू आ गई. इफ यू कैन मैनिपुलेट द डेटा थ्रू द आईटी, तो ये What done is here? यहां पर प्रोसेसिंग हुई. तो इट क्रिएट्स द इंफॉर्मेशन, इट आस्क द इंफॉर्मेशन टू यू, इट प्रोसेस इट एंड गिव सम आउटपुट टू यू. तो ये तो थी आईटी की बात. आईटी क्या करता है? डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर भी करता है, जैसा आप चाहें वैसा करता है. लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय आईटीईएस? ITES stands for Information Technology Enabled Service. पहले छोटी सी एक बात करते हैं. पहले हम लोग कम्युनिकेशन मीडियम के लिए पोस्ट ऑफिस का यूज करते. मुझको अपनी बात कहीं तक पहुंचानी है तो हम लिखते थे मैनुअली, उसको पोस्ट करते थे, वो एक डेस्टिनेशन पे जाता था और वहां इसमें टाइम लगता है, टेक्स टाइम. लेकिन आईटी की मदद से हमारी सर्विस में इनहांसमेंट आया, हमारी सर्विस क्वालिटी सर्विस हो गई, इसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बोलते हैं. अब अगर जो मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे वेट नहीं करना पड़ता. वी हैव सेवरल सॉफ्टवेयर्स एंड सेवरल मीडियम टू कम्युनिकेट विद द पर्सन. ईमेल के थ्रू बात कर सकते, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते, टेक्स्ट लिखकर बात कर सकते हैं, बोलकर बात कर सकते हैं, वीडियो भेजकर बात कर सकते हैं, ऑडियो फाइल भेजकर बात कर सकते हैं. तो हम यहां पर कहेंगे दिस कम्युनिकेशन इज इनेबल्ड बाय आईटी. इस तरीके की सर्विस अगर जो किसी भी कंपनी में आईटी को जोड़कर उसकी सर्विस को क्वालिटी ऑफ सर्विस बनाया गया, इस तरीके की चीजों को हम आईटी इनेबल्ड सर्विस बोलते हैं. जैसे कॉल सेंटर्स, पहले हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए कोई नहीं था. कॉल सेंटर्स आए, वहां पे इंफॉर्मेशन आती है और वो हमको इंफॉर्मेशन दे, सर ऐसा ऐसा आया है, सर आपको इंश्योरेंस लेना वगैरह. पेरोल सिस्टम्स, अब हमको अपनी तनख्वाह लेने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता, वो ऑनलाइन ईसीएस माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता. अब यूपीआई की मदद से हम लोग पैसे कैश भी नहीं निकालते हैं, हम जस्ट पेमेंट करते हैं और उसको यूज. तो दीज आर दी सर्विस विच इज इनेबल्ड, मतलब हमारी लाइफ को काफी आसान कर दिया. रेलवे रिजर्वेशन, पहले हमको याद है कि रेलवे रिजर्वेशन टिकट को बुक करने के लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था, जो कि अब हम घर बैठ कर अपने रिजर्वेशन को बुक कर सकते हैं, अपने आप शेड्यूल बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कहीं जाने की जरूरत है. इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना है, हम घंटों लाइन में लगते थे, एक दिन निकालते थे प्रॉपर इसके लिए कि हाँ आज मुझको जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना है, नहीं तो मुझे इसमें फाइन हो जाएगा और या फिर मेरी लाइट काट दी जाएगी. आज हम घर बैठकर उस बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं, उस गैस के बिल को जमा कर सकते हैं. तो ई बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम्स आर देयर. पहले बीमारी को पता लगाने के लिए बहुत टाइम लगता था, बट आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो आपके बॉडी को इजीली डायग्नोस करके और उस पर क्योर प्रोवाइड करा दे. एमआरआई, ईसीजी एंड ब्लड शुगर को चेक करना, लाइक दैट. तो डायग्नोसिस सिस्टम आसान हो गया, मेडिकल फील्ड में भी आईटी आ गया. और कोडिंग, जिनको आता है वो डेवलपर,
बन सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी इनकी आ सकती है। तो आईटी ने ना ही हमारे जीवन को आसान किया है बल्कि लोगों की जॉब जॉब्स के बारे में भी जॉब्स की संख्या को भी बढ़ाया। थोड़ा सा नॉलेज है आपको, डेटा एंट्री करना आता है, आपके लिए जॉब है। तो ये सब बातें थी कि आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस में क्या फर्क। पहले मेडिकल नॉर्मली बात होती थी मेडिकल के बारे में, हम डॉक्टर के पास जाते थे, वो पर्चा बनाता था, हम वापस जाते थे। आज हम ऑनलाइन बैठे घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, मेरा नंबर आएगा तो किस दिन आएगा, इन लाइक दैट। तो क्वेश्चन नंबर वन पूरा हुआ, हमने आईटी के बारे में जाना। क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बात करें, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग आईसीटी। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब आईसीटी के आने से, आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज आईसीटी, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, पहला पढ़ा आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हमने बात किया आईटीईएस के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, और लास्टली हम पढ़ रहे हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देयर इज स्लाइट स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन हम इन सबको एक दूसरे के पूरक के रूप में बार बार इंटरचेंजेबली बात करते रहे। तो आईसीटी की मदद से कैसे, क्या एडवांटेजेस हमारी सर्विसेज में आए और क्या डिसएडवांटेजेस। तो आंसर इज सेइंग देयर इज अ नो डाउट इन द आईटी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, मेडिकल में, रेलवे रिजर्वेशन में, बिलिंग में, आईटी की मदद से हमारे जीवन को काफी आसान कर दिया, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारी बढ़ गई। साइमल्टेनियसली इसने हमारे को डिसएडवांटेज भी कुछ दी, हर चीज कुछ कुछ ना कुछ फायदा भी देती है, कुछ ना कुछ नुकसान भी देती है। जैसे लाइट, लाइट सहूलियत के लिए यूज तो होता है लेकिन लाइट के तार को अगर जो टच कर लो तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। द आई टी इज यूज टू कम विद सम डिसएडवांटेज एज वेल, इसी तरीके से आई टी भी में कोई दिक्कतें हैं जो इसके आने से बढ़ी। Some of the advantages and disadvantages as follows. तो कुछ advantage और disadvantage के बारे में ये answer बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात हमने जैसे कि discuss की थी, IT के आ जाने से, ICT के आ जाने से हमारा communication बहुत आसान हो गया। हम easily कहीं भी बात कर सकते हैं, हम किसी को पटा से किसी से बात करना, कॉल लगाया, बात किया, उसने फोन नहीं उठाया, हमने WhatsApp पे मैसेज छोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं कर रहा तो हमने वीडियो बनाकर भेज दिया। इन दैट फैशन एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा इज इंक्रीज्ड, हमें कुछ भी सर्च करना है, किसी चीज के बारे में जाना है, डायरेक्टली ब्राउजर खोलते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं और वो चीज हमको आसानी से प्राप्त हो। किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानकारी लेनी है, हम ब्राउजर को बोलते हैं, मोबाइल हमारे हाथ में ही मोबाइल है और इसके बारे में हम कुछ भी टाइप करते हैं और हमको इंफॉर्मेशन फटाफट से मिल जाता है। एजुकेशन के बारे में जानना, न्यूज के बारे में जानना, वेदर फॉरकास्ट के बारे में जानना, और यहां तक कि आजकल किसी के रास्ते में पूछना भी नहीं पड़ता है कि भाई साहब मुझे आगे से लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, दैट इज मैप कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो देयर, यू जस्ट पुट योर डेस्टिनेशन एंड इट शो यू द पाथ, वो आपको आपके पाथ तक ले जाए। इम्प्लॉयबिलिटी इज इंक्रीज्ड, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, अभी इन सब सिस्टम तो आ गए लेकिन इनको चलाने के लिए भी आदमी भी चाहिए, दैट्स व्हाई इम्प्लॉयबिलिटी आल्सो इंक्रीज्ड। टू लर्न एनीथिंग इट्स बिकम इजी, आजकल आपको कुछ पढ़ाई करना, जैसे मैं ही हूँ आपको पढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने एक वीडियो बना दिया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत आसान हो गया है आज के जमाने में पढ़ाई करना। अब वो वाली बात नहीं रह गई कि लैंप जला के हमने खंभे के नीचे पढ़ा है, कोई नहीं कहेगा, नोबडी इज देयर टू से दिस। मेडिकल फील्ड में भी हमने अभी बात किया कि डायग्नोस, बीमारी को डायग्नोस करना बहुत आसान हो गया,
डिजीज को पता लगाने में बहुत जल्द। पहले क्या होता था कि डिजीज को पता लगाने में टाइम लग गया, जब तक पता लगाया तब तक वो आदमी चला गया। अब ऐसा नहीं है, हम रैपिडली जान लेते हैं कि इस बॉडी में क्या दिक्कत है। लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आईसीटी ने हमको दिया। जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, हमारा बैंक से लगाकर हमारी पर्सनल प्रोफाइल तक, तो उसका हैक होने का भी खतरा। नाउ एवरीबडी नोज कि आपका पैसा कहाँ रखा हुआ है, किसी न किसी बैंक अकाउंट में। तो आप क्या करेंगे उसको बचाने के लिए, क्या कर सकते हैं? आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की जरूरत है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे करें। इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज नॉट रिलायबल। अब इंटरनेट पे जो कुछ भी आ रहा है सब इंफॉर्मेटिव नहीं है, बना किसी और तरीके से था, उसको किसी और तरीके से मोल्ड करके दिखाया जा रहा है, उतना ही पार्ट जितना आपको चाहिए, तो रिलायबल नहीं। जब तक आप वो नहीं आंखों से देखा हुआ, जब तक आंखों से ना देख लो तब तक उस चीज पे भरोसा नहीं। मेकिंग द मेमोरी पुअर। उसको याद है कि मैं पहले जमाने में जब फोन तो नंबर पैड वाले होते थे तो सारे नंबर, या टेलीफोन होता था तो सारे नंबर हमको याद रहते थे, घर के मम्मी का पापा का एंड सो। आज के जमाने में ऐसा नहीं, वी हैव टू नोट डाउन इन द फोन और भूल जाते हैं, बस उसका नाम भी नहीं याद रहता कि किसका नंबर हम ढूंढने वाले हैं और किस नाम से मैंने उसको। पहले हमको रास्ते याद रहते थे, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे जाना है। आजकल सब कुछ गूगल बता रहा है, तो मेमोरी तो लूज की है। तो इसको करने के लिए हमें डेली रिवाइज करना पड़ता है, जो आजकल के बच्चे करना नहीं चाह रहे। उनको लगता है उन्हें सब आता है लेकिन उन्हें सब कुछ नहीं आता। अभी लिखने के लिए बैठेंगे तो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए जो भी आप पढ़िए उसको लिखिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये जैसे कि नोट्स मैं आपको दूंगा, तो व्हाट एवर द नोट्स आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, आप उसको लिखिए। अच्छा, नोट्स लेने के लिए आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में मेल आईडी टाइप करके देना पड़ेगा, और जैसे ही आप मेल आईडी मुझको देंगे इस नोट्स को आपको एक्सेस मिलेगा। सिस्टम कैन बी इंफेक्टेड बाय द वायरस। सिस्टम वायरस के थ्रू इंफेक्ट किया जा सकता है। आपका डेटा सारा कुछ यहाँ स्टोर है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, और एक वायरस की वजह से आपका वो सारा डेटा उड़ सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आईटी के आ जाने से, ये हम क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्या बात करता है? What precautions are required to ensure the IT ICT use in safe? अब अभी हमने क्या बात किया कि आपका सिस्टम पे वायरस आ सकता है, आपका बैंक अकाउंट एक्सेस हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहला, सबसे पहला काम, ताकि एंटीवायरस आप एक लेके रखें अपने सिस्टम के लिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से आपने घर बनाया, सोसाइटी बनाई, और आप उसके लिए गार्ड रख रहे हैं टू सिक्योर फॉर द सिक्योरिटी। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप एक गार्ड रखेंगे ताकि वो उसको सिक्योर कर सके। तो बिल्कुल उसी तरीके से है, आप अपने सिस्टम पे एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें ताकि जब कोई वायरस आए तो वो आपको इंडिकेशन दे पाए या फिर आपसे उसको बचा पाए। योर सिस्टम ईमेल और एनी लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल मतलब जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, और हर एक महीने में दो महीने में उसे चेंज करते रहिए, और किसी से आप शेयर ना करें तो ही आपका अकाउंट बच सकता। डू नॉट क्लिक ऑन एवरी लिंक, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। अगर जो आपने किसी अनजान लिंक पे क्लिक किया तो हो सकता है कि ये वो आपके ट्रांजेक्शन ले ले और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे। यूज इनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट योर इंपॉर्टेंट फाइल। कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट फाइल है उनको इनक्रिप्ट करके रखें ताकि उसके अंदर कोई मालवेयर ना आ पाए। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए वाइल यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी और सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर द फोर मेन सब सेक्टर्स ऑफ आईटी? बीएमपी। बीएमपी स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज बीएमपी? बीएमपी इज नथिंग बट बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। So the IT BMP industry has been fueling India growth. IT के आ जाने से, business process हर जगह IT के enable हो जाने से
हमारी इंडिया की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा हाथ है। The growth of IT BNP industry has provided India with the wide range of economically and social benefits. Economically फायदा तो कर ही रहा है, socially भी फायदा कर रहा है। कैसे? कोई भी पैसा आपके खाते में पहुंचाना है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी, डायरेक्टली आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। कोई भी लोन आपने लिया और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, तो इकोनॉमिकली गवर्नमेंट को तो फायदा कर ही रहा है। जैसे टोल टैक्स, हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं और अपने आप टोल टैक्स कट गया, बैंक ने अपने पैसा सब्सिडाइज पैसा आपको दे दिया। तो डायरेक्टली कस्टमर्स को यदि कुछ फायदा पहुंचाना है तो गवर्नमेंट कर पा रही है, और कस्टमर्स से कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेस लेने हैं तो वो डायरेक्टली कर पा रही है। देयर इज नो मैन इन्वॉल्वमेंट बिटवीन दैट बिकॉज ऑफ DIT। कोई भी आदमी उन लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कहां, पैसा जा रहा। तो इकोनॉमिकली फायदा हुआ, सोशली भी फायदा हुआ, विच इंक्लूड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी आता है। बेरोजगारी थी, क्या करें, जो लोग खेती नहीं कर पा रहे वो क्या करें, जिनके पास खेत नहीं है वो क्या करें, जिनको कहीं काम नहीं मिल पा रहा, कोई स्किल नहीं है उनके पास, वो क्या करें। IT स्किल सीखिए ना। रेजिंग इनकम लेवल्स, जैसे जैसे आप मेहनत करते जा रहे हैं आपके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। आज आपने कीबोर्ड के बारे में डेटा एंट्री सीखा तो डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी, थोड़ा और सीखा कोडिंग सीख लिया तो और अच्छी जॉब मिल सकती है। तो इट डिपेंड्स। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, हमें कुछ भी बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट्स बाहर भेजना है, हमने उसको बोली लगा दी और वो बाहर चला गया। तो सेक्टर द ऑर्गेनाइजिंग सर्विस, सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस टाइप एज वेल एज रेंज ऑफरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। ज्योग्राफिकल स्प्रेड बढ़ गया हमारा, रेवेन्यू का साइज बढ़ गया हमारा, एंड सो ऑन। Some of the subsectors are as follows: IT services, software products, business process management, engineering and research development. हर जगह हम IT का use करते हैं। अब IT question number 5 के बारे में बात करते हैं। IT हमारे day to day life को कैसे फायदा पहुंचा रही है? फिर से हम उसी बात पे आते हैं। इन टेक्नोलॉजी, पहले इसको देख लेते हैं। इन टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट नेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हाउ IT इज इंपैक्ट एवरीडे लाइफ एज फॉलोज। बाय यूज ऑफ IT डिजायर्ड इंफॉर्मेशन व्हेनेवर नीडेड। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। IT की मदद से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी चाहिए, हमारे हाथ में फोन है और अगर जो हम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हमको वो इंफॉर्मेशन ऐसे मिल जाए। एवरीडे वी यूज टू लिसन म्यूजिक, आपको गाना सुनना है, आपको मूवी देखनी, आपको गेम खेलना, घर का काम, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम कोविड की वजह से, वर्क फ्रॉम होम काम करना ऑफिस का, किसी को मैसेज करना है, चैट करना है, बातें करनी है, हमको शेड्यूल बनाना है, बुक्स पढ़नी है, हमको बिल्स पे करने, हमको टिकट बुक करना है, हमको बैंक ऑपरेशंस परफॉर्म करने, सब कुछ हम IT की मदद से घर बैठे कर और डेली कर ही रहे। एक रुपए भी आजकल पेमेंट कर रहे हैं तो UPI की मदद से हम बैंक को ट्रांजेक्ट कर, देर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड अस, हमको कुछ भी पेमेंट करना है उसके पास UPI, हमारे पास UPI, हमने पेमेंट कर दिया। तो ये सब काम हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं और आप लोग इसको देख, बस समझ थोड़ा उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान जाएगा आपका। इन अवर डेली लाइफ वी ऑल्सो यूज वॉशिंग मशीन, उसमें भी एक छोटा सा प्रोग्राम लगा है कि हाँ 15 मिनट के बाद ये बंद हो जाए, है ना। माइक्रोवेव ओवन 10 मिनट पे सेट कर दिया, 10 मिनट के बाद ये माइक्रोवेव ओवन बंद हो गया। एंड मेनी अदर प्रोडक्ट विच यूजिंग विच इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स विच कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट वर्क अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स एंड दिस सब। जैसे एलेक्सा है आपके पास, हमने शेड्यूल कर दिया कि मुझे सुबह 7 बजे उठा देना तो 7 बजे उठाएंगे। तो लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज एनेबल्ड बाय इन दिस डिवाइसेस और ये हमारी डेली लाइफ को हैम्पर भी कर रही हैं और हमको फायदा भी पहुंचा रही है। दोनों ही चीजें हैं, हर चीज एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ आती है। मोबाइल नहीं था तो कम्युनिकेशन तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन जिंदगी में सुकून था, लेकिन वो आज नहीं। सुबह आपका फोन बज ही जाएगा, आपको उठा ही दे, अगर आप सोना चाह रहे हैं तो सो नहीं सकते, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज IT यूज्ड इन लाइब्रेरीज।
तो जैसा कि बच्चों आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, तो क्या क्या करते हैं, कौन सी बुक कौन ले गया, अगर ये लिखने बैठेंगे वो तो बहुत मतलब वो यही करते रहे, कौन सी बुक कौन ले गए, ये सब ट्रैक करना आईटी की मदद से आसान हो गया। दिस मेक इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक्स, कि वो बुक अवेलेबल है या नहीं। कोई बच्चा बुक मांगने आया तो वो ढूंढते नहीं है, वो तो सिस्टम पे चेक करते हैं सर्च करके कि हाँ ये सिस्टम है, ये बुक हमारे पास अवेलेबल है, यस अगर जो है तो जाकर बेटा वहां से उठा। इट इज मैनेज ऑल्सो इन सम मैनर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू इशू एंड रिटर्न द बुक, उसे वो इशू करते हैं आपको और उस इन्वेंट्री को वो खाली करते हैं। ईच बुक इन द लाइब्रेरी हैज अ मैग्नेटिक स्ट्राइप अटैच टू इट दैट इज डीएक्टिवेटेड बिफोर द बुक कैन बोरो। आप लेकर गए उसको वहां से हटा दिया जाता है ताकि आप जब वापस लाए तो उसको वापस। एडिशन टू दैट कॉन्सेप्ट, आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप घर बैठे किसी भी बुक को एक्सेस कर सकते हैं डिजिटली। जैसे मैंने अभी आपको बुक की जरूरत थी तो मैंने आपको बताया कि किस लिंक पर आप जाएं कहां से, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे ही लाइब्रेरीज का भी कॉन्सेप्ट आया हुआ। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन वेयर आईटी इज यूज्ड। अब हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में जब आईटी है, आईटी की मदद से हम क्या क्या इवॉल्व कर पाए। आईटी यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी अदर प्रोसेस इन आईटी एजुकेशन गिवन अनदर लेवल ऑफ द टीचिंग ऑफ मेनी अदर मेथोडोलॉजीज एज़ फॉलोज। आईटी की मदद से टीचिंग में बहुत बड़ा बूम आया। किसी को कुछ समझाना है, एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हैं, आपको घर बैठकर मैं पढ़ा सकता हूं, एंड सो ऑन। अ लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द टीचर्स टू टीच अ बेटर वे। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आपको कैसे हम अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस बना दी गई, आपको प्रोजेक्टर्स दिए, आपको सिस्टम्स दिए, इन सब की मदद से आपकी पढ़ाई में फायदा पहुंचा। जो चीज हम आपको फील नहीं करा सकते वो आप देख सकते हैं, पहले नहीं करा पा रहे थे, बुक्स में समझने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा ऐसा होता है, वेरी गुड वेरी गुड। स्टूडेंट टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एवरी स्टेक होल्डर इन द एजुकेशन सेक्टर हैज बी बेनिफिटेड विद द इंटीग्रेटेड ऑफ द आईटी इन एजुकेशन। टीचर्स का फायदा तो हुआ ही है, उनको रिकॉर्ड रखने में आसानी हुई, पढ़ाने में आसानी हुई, प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग टूल्स हैं। और आप भी देखिए मुझसे पढ़ ही रहे, बच्चों को भी फायदा, बच्चों को इमेजिन करने में आसानी, उनको प्रोजेक्टर से कुछ भी दिखाते हैं टीचर, अब वो समझ जाते हैं कि हाँ इस तरीके की बात हो रही है, इमेजेस दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं। साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आईटी का बड़ा रोल है। कैसे, आपके स्टूडेंट्स को टीसी देना है, उनका नाम हटा है, नाम लगाया गया है, किस बच्चे को एडमिशन मिला है, किसको स्कॉलरशिप मिलनी है, किसको बुक नहीं मिली है, किसको मिल गई है। लाइब्रेरी में हम आईटी की मदद से काम करते हैं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठा हुआ है, कौन से स्कूल की आज छुट्टी है, किस स्कूल की नहीं है, कौन सा टीचर आया है, अटेंडेंस क्या है, एंड सो ऑन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आईटी एजुकेशन में तो बूम लेकर आया ही। आईसीटी इन द क्लासरूम्स, कैसे ई लर्निंग क्लासरूम्स बन गए, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, जैसा मैंने स्मार्ट क्लास के बारे में आपसे बात, वीडियो एंड एक्सपेरिमेंट्स एनिमेशन के रूप में हम आपको दिखा सकते हैं, क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस, मैं वीडियो बना के डालूंगा आप पढ़ लेंगे कभी जब आपका मन करेगा, ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको अभी इस वीडियो को देखना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मैगजीन्स, ऑनलाइन मैगजीन दे दी, लेटर्स दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, एजुकेशनल गेम्स के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं, लर्निंग यूजिंग सीडी रोम मीडिया, हमने मीडी नहीं कुछ है तो स्टोर करके आपको दे दिया, आप अपने घर जाकर देखना, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी है तरफ, गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टू द इंटरनेट, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इंटरनेट से डायरेक्टली जाकर। आईटी इनेबल एजुकेशन मिल गया, मींस एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, फॉर एन एग्जांपल एनी स्टूडेंट कैन इंडिया कैन एक्सेस एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.epatra.ac.in। किसी भी बुक को आपको लेना है आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए और बुक को एक्सेस कर। अब ऐसा नहीं कि पापा बुक खरीद के देंगे तभी हम पढ़ेंगे, है ना, बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिवाइस होनी चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, यू कैन एक्सेस होल वर्ल्ड।
हम क्वेश्चन नंबर एक की बात करते हैं, विच सॉफ्टवेयर आर यूज टू इन डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने पहले भी बात की, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं यूजिंग कॉलर्स, चैटिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लॉट्स ऑफ थिंग इज देयर एंड इट्स काउंटिंग, या आगे काउंट हो रहा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अ पर्सन कैन थ्रू विच कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आओ, फॉर व्हाट पर्पस इज आईटी यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में हम किस लिए आईटी यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द पेरोल कैलकुलेशन, किसी को सैलरी देनी है, मुझे कैलकुलेशन, मैं एक टीचर हूँ, मेरे को सैलरी किसी को देनी है तो कैसे देगा, बजट निकालना है, सेल्स का एनालिसिस करना है कि मैंने ये चीज बनाई और इसको बेचना है तो कैसे, कहाँ बिकेगा ये एनालाइज कर, फाइनेंशियल फोरकास्ट, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वेदर फोरकास्ट, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टॉक्स, सब कुछ कहाँ पे क्या रखा हुआ है, स्टॉक्स के बारे में मैनेज करना, मेंटेन करना, बुक्स। अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपन थ्रू आउट द इंटरनेट कॉल्ड ई कॉमर्स। जैसे कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी है, पहले हमको दुकान में जाके चीजों को खरीदना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब हमने फ्लिपकार्ट खोला, हमने अमेजोन खोला, दीज आर कॉल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट्स, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, आपको कपड़े खरीदने, आपको फोन खरीदना, आपको फ्रिज खरीदना, आपको टीवी खरीदना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सब कुछ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको खरीदना, कुछ भी खरीदना, सब कुछ अवेलेबल है आज के समय, और वो घर चलकर आपके पास आ जाता है। You just do the payment, do the process, whatever it requires, और वो आपके घर पे आ जाएगा। आपको चेंज भी करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। Now, आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि आपको किसी का पेमेंट बिल करना है, आपने उसको रिमाइंड करा दिया कि हाँ भाई 8 तारीख को इसको पैसे देने हैं, वो ऑटोमेटिकली 8 तारीख को इतने पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा। तो ये सब चीजें आईटी के आ जाने से, आईटी फैसिलिटी मार्केटिंग, कंस्टमर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग बास्केट चेकआउट, टैक्स एंड शॉपिंग, रिसिप्ट एंड प्रोसेस, ई कॉमर्स ऑफर सर्विस पर्टेनिंग द प्रोसेस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड गैदरिंग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, ये लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ये सब हम देखते हैं ना, रिव्यूज, कौन सी गाड़ी अच्छी है, हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, कौन सी अच्छी, कौन सी नहीं अच्छी है, ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग द प्रोडक्ट सो दैट वी कैन बाय विच प्रोडक्ट। किसी का टैक्स कैलकुलेट करना है, सर आपका इतना जीएसटी हुआ है, आप ये खरीदेंगे तो इतना जीएसटी दे। तो दीज थिंग्स आर मेंशन इन द बिजनेस व्हेन द आईटी इज इन बिजनेस, और ये काफी आसान हो गया है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई बूढ़े बाबा को नहीं बिठाना पड़ता जिसको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो, वी जस्ट install the software and it do that for us. Next, question number 10 के बारे में बात करते हैं, which are the prominent area where the IT is used in science and engineering? Science and engineering में IT की क्या मदद पड़ गई? Rocket launch करना है मुझे और वो इतने बजे ही launch होगा, उसका time decide कर दिया, अगर सब कुछ एक साथ नहीं हुआ तो वही फट जाएगा, है ना, ऊपर जाके फटता है ना, नीचे छूट जाता है, जो उसको नीचे से ऊपर पंप करके ले जाता है, वो टाइम से नहीं गया, नजदीक ही फट गया तो पूरा रिसर्च सेंटर ही उड़ जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए पहले एनिमेशन एनालाइज करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, बैलेंस करेगा और सारे फॉर्मूले लगाकर हम साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी इसका यूज करते हैं। तो एक बार लाइन को पढ़ते हैं, साइंटिस्ट आर इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। ऐसा करेंगे, इतना इंटीग्रेशन, इतना झुकाव है, इतने झुकाव पे थ्रो करेंगे तो क्या वो पहुंच जाएगा, उसके बारे में। कंप्यूटर एडिट डिजाइन, हम कैसे बता देते हैं कि इसका डिजाइन ऐसे रखते हैं तो फिर इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बाय एनालाइजिंग थ्रू द कंप्यूटर। कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस आर यूज फॉर द ड्रॉइंग, जिसको हम कैड भी बोलते हैं, जो कैड सीखने जाते हैं ना। डिजाइनिंग फॉर सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिजाइन, कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उनको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता था, पड़ता है, नॉट करता था, पड़ता है, बहुत सारा डेटा
ऐसा बारिश होगी, अब है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन के पास रहती है और वो डिसाइड कर देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भविष्य गाता है, ऐसा था तो ऐसा हुआ, दे आर एनालाइजिंग दैट थिंग। तो साइंटिस्ट और साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आईटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। लिस्ट ऑफ वेरियस यूजेस ऑफ आईटी इन बैंकिंग। बैंकिंग में हम क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग आईडी खुलाते हैं, अकाउंट, सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, किस लिए ओपन करते हैं, ताकि हमारा पैसा वहां सुरक्षित, हम उसमें पैसा डाल सकते हैं, इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, एसएमएस आता है, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। आरडी खुलवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, सुकन्या जो भी स्कीम्स आती है हमारी उसी में आती है, फिक्स डिपॉजिट करना है ना, सेविंग्स करनी है, कुछ पैसा ट्रांसफर करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, ज्यादा अमाउंट में पैसा भेजना है तो आरटीजीएस करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑर्डर यूजिंग इंटरनेट, बैंकिंग कस्टमर्स आर ऑटोमेटिकल। अब मुझे पैसा निकालना भी तो है, और मुझे रात में पैसे की या दिन में पैसे की जरूरत पड़ गई, मुझे बैंक जाने का मन नहीं, तो हम लोग क्या है, कहाँ जाते हैं, हम लोग एटीएम में जाते हैं, और एटीएम थोड़ी मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। हम एक उसमें हमको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाता है, हम उसको लगाते हैं, जो भी रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल है हम उसको बताते हैं और पैसा निकल के बाहर आ जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब आईटी के मदद। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, विच आर द डिफरेंट एरियाज वेयर हेल्थ केयर वेयर आईटी इज यूज्ड। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्नोसिस करने, तो पैसे कैसे डायग्नोसिस होते हैं, MRI, इलेक्ट्रोग्राम, ECG मशीन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ECG की फुल फॉर्म, जो हार्ट बीट को चेक करता है, ईईजी, इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राफी मशीन, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन, मेजरिंग मशीन, सॉरी, तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, डायग्नोसिस करने में हम इन चीजों का यूज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, कोई भी 5 वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के बारे में उसने पूछा होगा। तो यहाँ पर हमने कई सारी वेबसाइट्स को मेंशन कर रखा है, जैसे पहला वेबसाइट जब हम जाएंगे तो एजुकेशन, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बात करेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में जानना है तो उसकी वेबसाइट दी हुई, आधार कार्ड की वेबसाइट दी हुई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ इंडिया, नेशनल वोटर्स इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, दीज आर द गवर्नमेंट वेबसाइट्स। आपको क्या करना है, इन सारी वेबसाइट्स पे जाना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बारे में एक एक लाइन आप लोगों को लिखना चाहिए, ये वेबसाइट किस लिए बनी वो मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया। ये तो था क्वेश्चन और आंसर के यूनिट नंबर 1, इससे ज्यादा आपकी बुक में दिया भी नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया, आप उसको पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, बुक को पढ़ना चाहिए, ये जिस्ट है उस पूरे क्वेश्चन का। और लैब में क्या क्या करना है वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इन यूनिट 1 लैब व्हाट वी हैव टू डू, एक्सप्लोर द इंपैक्ट ऑफ आईटी इन आईटीएस। तो जो भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कहां से मैंने उठाया है, आप लोग एक बार देखें। तो ये रही आपकी बुक, और बुक में ही यहां पे आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये आपको अपनी दूसरी कॉपी में यानी कि लैब की फाइल में बनाना है, और हो सके तो कुछ इमेजेस भी लगानी है चैप्टर 1 जैसे। तो ये यही क्वेश्चंस हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, एक्सप्लोर द इंपैक्ट ऑफ आईटी एंड आईटीएस वेरियस एरियाज डे टू डे। तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हम आज डेली लाइफ में हम क्या यूज करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो इन सब के बारे में उसने बात की, वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहां भी आ सकता है। विजिट इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स सच एज ऑफिशियल वेब पोर्टल्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेक द लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज कुड ऑब्टेन बाय योरसेल्फ। इन वेबसाइट्स पे जाइए जो हमने पिछले नोट्स में भी जो लिखा, और हम मुझको ये बताइए, और उस कॉपी में ये लिखना है कि इस ये जो वेबसाइट है ये किस सर्विस के लिए बनी है, यहाँ हम जाकर क्या क्या करते हैं। जैसे हम एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वहां पे टीचर्स के लिए सर्कुलर्स वगैरह आते हैं,
कुछ नया अपडेशन आया है, जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना था तो एक ऑर्डर आ गया कि हाँ इस तरीके से ऐसे ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट सारे स्कूल्सों में ऐड होना। तो ये वेबसाइट्स किस लिए बनी हुई है इसके बारे में आपको एक एक लाइन लिखना है। मेक द लिस्ट ऑफ ई गवर्नमेंट सर्विस दैट प्रोवाइडेड बाय द अदर कंट्रीज। तो उनमें से एक कंट्री है यूएसए के बारे में हमने डिस्कस किया। मैं जब इस पर क्लिक करता हूं तो ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है। अब ये गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि इंडिया की नहीं है, यूएसए की है, तो ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसके बारे में एक एक लाइन। अबाउट द यूएस इट्स गवर्नमेंट, कंप्लेन करना है, डिसेबिलिटी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन के बारे में, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ, सबका पोर्टल इन्होंने बना रखा है और यहीं से आप नेविगेट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट किस लिए बनी है और ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, बस आपको यही लिखना है। यूएसए दिस पोर्टल इज प्रोवाइडिंग द कंप्लेन मैनेजमेंट, डिसेबिलिटी सर्विस, यही आपको उसमें लिखना है। एंड विजिट द वेरियस वेबसाइट एंड द लेफ्ट इन द एरिया इन आईसीटी। ऐसी वेबसाइट्स पे आप जाइए जैसे कि रेलवे, मैंने रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, आईआरसीटीसी पे आप गए, आपने वेबसाइट खोला, आपने आईआरसीटीसी पे गए और आपने क्या किया, आईआरसीटीसी को ओपन किया और ये ओपन हो गया और आपने क्या किया, ओके आईआरसीटीसी.go.in और ये वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, रेलवे को बुक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, बसेस बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ लिंक्स आर प्रोवाइडेड हियर एज वेल। ये वेबसाइट किस लिए बनाई गई है इसके बारे में भी आपको एक लाइन अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी कन्वेंशनल मेथड्स इन वेरियस एरिया। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहले जब आईसीटी नहीं था तो और आईसीटी के आ जाने से क्या फर्क पड़ा। जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन मीडिया, पहले हम डाक के थ्रू बात करते थे और इट टेक्स टाइम, दो चार दिन के बाद पत्र पहुंचता था, फिर उधर से रिवर्ट आता था, इट टेक्स टाइम। आईसीटी के आ जाने से हमारी कम्युनिकेशन इजी और फास्ट हो, इसी के बारे में आपको बात करना है। जैसे कार्स पहले भी आती थी, कार्स अभी भी आ रही हैं, बट आजकल की कार में अंदर बैठकर ही म्यूजिक भी सुन सकते हैं आपका। बहुत सारी कार्स आजकल ऐसी आ रही है कि आपको ड्राइव भी नहीं करना है ना, यू नो द वर्ड टेस्ला। और द लास्ट इज ऑब्जर्व द इंस्टेंस ऑफ आईसीटी इज यूज इन बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग द कंपाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट कंपाइल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में आईटी के आ जाने से क्या फर्क पड़ा है। तो उसका एक इमेज है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि पहले लोग इस तरीके से काम करते थे, कुछ भी आ रहा है, और अब ऑटोबॉट्स बना दिए गए जिसकी मदद से वो आसानी से एक्सेस हो सकता है। तो आपको इसके बारे में लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखाया गया है और जो डाउट है आपका वो इस तरीके से ये चीजें लिखनी है। तो कहने का मतलब यह है जो प्रैक्टिस सेक्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो चैप्टर वन हो या चैप्टर टू हो, यूनिट वन हो यूनिट टू हो, ये आपका जो है ये आपका थ्योरेट प्रैक्टिकल फाइल में जाएगा और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके ये आपके नोटबुक में जाएगा। आज हम लोगों ने यूनिट वन के बारे में देखा, कल हम लोग यूनिट टू के बारे में देखेंगे। जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और मैं इसका एक्सेस उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कल हम फिर से मिलेंगे। आप लोग चेक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बाकी बच्चों को भी इस इंफॉर्मेशन। Thank you. Thanks a lot.